जय जय मानेणा देवी। तो आ चुके हैं कोनी ब्लॉक के साथ वापिस। अगर आपको पता हो तो मैं 15-20 दिन से नानी जी के घर ही था। ये अपनी नानी जी आए कर दो, पर अब वापिस जाने का वक्त हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ अपने न्यू शहर में। यहाँ पर मैंने एडमिशन लिया है न्यू स्कूल में, क्योंकि मेरे स्कूल कोचिंग सब स्टार्ट हो चुकी है। मैं जून जुलाई बिल्कुल भी कोचिंग स्कूल कुछ भी नहीं गया, और अगस्त चल रही है। अब मैं 3 महीने बाद कोचिंग और स्कूल स्टार्ट करने वाला हूँ। पता नहीं कहाँ था इतने टाइम से, घूम ही कर रहे थे मम्मी के साथ। नान के पिंड हॉलीडे मना रहे थे हम इतने दिन से। तो चलो इन सब को करते हैं बाय बाय। अब बाय बाय, ठीक है जी, चलना मैं। मम्मी तो अपने साथ ही चलेंगे ना। बाय बाय। बहुत दिनों से ब्लॉग इसलिए नहीं आए क्योंकि यहाँ पर वाईफाई भी नहीं है और यहाँ पर 5G भी नहीं आता। मैंने ना अपने पापा जी के बहुत सारे पैसे खर्च करवा दी वीडियो अपलोड के चक्कर में, कुछ 2-3 हजार। मैं वो 60GB 70GB वाला रिचार्ज करवा लेता था, टॉप अप एड डाटा ऑन। तो पापा को बेमतलब में लूट रहा था मैं। लाइक करो, फॉलो करो, जल्दी से प्रोग्रेस करवाओ। हाँ ये है मेरा न्यू रूम, यहाँ पर मैं रह के स्टडी करने वाला हूँ। साथ में मॉम भी रहेंगी। अभी ना हमने कुछ भी सामान वगैरह सेट नहीं किया, सारा सामान इधर दूसरे रूम में पड़ा। देखो शायद मुझे कल से कोचिंग भी स्टार्ट करनी पड़े। कोचिंग कल से स्टार्ट करनी है ना? कब से? हाँ मंडे से स्टार्ट करूंगा कोचिंग। हाँ सैटरडे है ना? कल संडे, कल भी फ्री है भाई। कल रात में यहाँ पर बारिश हुई होगी, ऊपर से पानी आया इस जगह पे से, सारा पानी रसोई में चला गया और हमारे गद्दे वगैरह थे वो भी भीग गए। और ये देखो झाड़ू वगैरह भीगा पड़ा है, गीले हो चुके हैं वहां से नीचे से। छत से पानी इसलिए आया क्योंकि छत का काम चल रहा है ना, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखो मिस्त्रियों ने सारा सीमेंट पटा, गेट हो गए यहाँ का। देखो ये सब रिन्यू होंगे, ये यहाँ पर तोड़ के इनको नया करवाएंगे, ऐसे ही छत पे हो रखा है। देखिए दोस्तों कावड़ लेके जा रहे हैं, कावड़। भाई इन लोगों को सलूट करता हूँ मैं, उन्हें भी लोग हैं जो कावड़ वगैरह लेके गए थे तो सलूट भाई। भाई तुम 1% में आते हो तो इतनी पावर रखते हैं। सम्मानित किया जा रहा है साथ में। ये एक मैं अपने बचपन की यादगार चीज दिखाऊं तो वो रहा ये टिफिन। ने मेरा काफी साथ दिया 4 साल तक, थर्ड में लिया था, थर्ड क्लास में, और 7th क्लास तक इसी में मैं खाना पीना। ओहो ये क्या है मम्मी? गजब भाई, टिफिन में चार्जर, बहुत अच्छा टिफिन निकला। ये पहला टिफिन था जो मैंने इतने टाइम तक चलाया। ये तो मेरे पास 2 या 3 महीने लास्ट कोई टिफिन टिक पाता था, उसके बाद तोड़ खोल देता था मैं, पर ये वाला टिफिन आज तक नहीं टूटा मेरे। अभी जा रहे हैं मार्केट में, थोड़ा सामान लेने वाला था घर का, और मेरे कुछ पसंद में आएगा तो ले आऊंगा। ताले वगैरह तो लगा दिए सब, अब चलते हैं मस्त। चले तो जल्दबाजी में मैं शूज पहनना भूल गया, अब इन्हें चेंज करने भी नहीं जा सकता इतनी ऊपर। मम्मी तो मुझे मॉल में ले आई, मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिया, ये चिप्स ही लिए अभी तो। ये अच्छा है दोस्त। देखो मैंने चिप्स में ये वाले फ्लेवर लिए हैं, एक तो लिया है सिंपल सॉल्टेड, एक है चाट चस्का फ्लेवर, और ये भी ले लिया एक हमने। फ्यूज होता तो वो टॉयज के लिए रोता, देखो कितने सारे टॉयज हैं। अच्छा हुआ वो बेचारा आया नहीं हमारे साथ। ये भी ले लिया इसके साथ, मैंने एक ब्रश और एक टंग क्लीनर भी ले लिया। ये रहा मॉम, और क्या लेना है? बॉडी लोशन वगैरह, बिस्कुट वगैरह ले लो, एक लाइटर। ये वाला लोशन लिया जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है, जो कि मैंने जीवन में एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया कभी। ये लोग इस्तेमाल करते हैं ये फालतू का बॉडी लोशन वगैरह, अच्छा ले लेते कुछ इससे अच्छी। तो ये वाले इधर आओ मैं बताऊं, इससे अच्छा तो ये वाला मॉइस्चराइजर लेते हैं आप। तो प्यो को वहां ले जा, ज्यादा लगाना आपको या प्यो को लगाना है? सीरम खत्म हो रखा था हेयर्स का, तो मैंने अब की बार ये वाला सीरम लिया है हेयर्स के लिए, स्ट्रेक्स
मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा इसका, ये वाला लिया होगा। नहाने के लिए मग्गा, ताकि मेरे में बुद्धि नहीं है तो तुमने बुद्धि तेज करने के लिए अखरोट लिया मेरे लिए। पापा ऐसा पता नहीं ना क्यों लगता है। और क्या लिया था? राइटर पेमेंट वगैरह तो कर दी पापा ने। सौरा बिल बनाया वो है 2060 का, ये देखो। मेरा सब कुछ ना खत्म हो रखा था, परफ्यूम वगैरह, सीरम वगैरह, मेरा जो जो काम का सामान था मैंने तो सारा ले लिया। टू 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 आयुष भाई कोको कोला और साथ में चिप्स। भाई मुझे आयुष की बहुत ज्यादा याद आ रही है यार। और अगर आप नहीं जानते आयुष कौन है तो वो मेरे मामू जी का लड़का है, पुराने लोग चेक कर लेना, वो तो आपको पता चल जाएगा। बड़ा ही फनी लड़का है, बड़े मजे करते हैं मक्सर। तो इधर मम्मी जी कर रही है कुकिंग, कुकिंग कर रही है भट्टे को बैंगन। भाई हमारे यहाँ बैंगन बन रही है क्योंकि ये हमारी मम जी बना रही है। हम नानी जी के घर तो इस टाइम तक हम खा पी के बिस्तर में चले जाते थे, मतलब सोने की तैयारी चल रही होती थी और कुछ सो भी जाते थे। और यहाँ देखो कितने लेट हो जाते हैं, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12 बज जाते हैं। नहीं वो ना आदमी तक सामान कभी रहेगा गाना किन्ने भी टाइम का लेना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी टाइम से कम रोटी खपती है, ज्यादा रोटी खानी पड़ी, लेट पकाया करो। खाना हो चुका है अपना रेडी, तो आज मैं अपने मम्मी के हाथ से खाऊंगा। मम्मी के हाथ की सब्जी मम्मी के हाथ से खाने का अलग ही मजा। एक नंबर भटे बने मेरे, वो पता नहीं क्यों भटे अच्छे नहीं लगते। बैंगन तो मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर मेरी मॉम के हाथ के लगते हैं मुझे अच्छे। तो कहते हैं लाल घी के बिना टेस्ट नहीं आता दोस्त मेरे को, ये तो मैं मांगता हूँ। देसी घी, घर का घी। अब दुगना टेस्ट हुआ है आज। आज का दिन तो ऐसे ही गुजरा, उम्मीद करूंगा कि आगे के दिन अच्छे गुजरे, मजे से गुजरे। तो चलो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड, आपसे मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग के साथ। तो बाय गाइस, टेक केयर एंड जय जय मांगे।